हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में स्कूल प्रवेश प्रक्रिया को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आपकी स्कूल कब तक खुल सकती है राजस्थान प्रदेश में, और कब तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया चालू रहेगी, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एडमिशन के। काफ़ी आपके कॉमेंट भी आ रहे हैं, सर हम 11th क्लास में हो चुके हैं, हमने 10वीं पास कर ली है, हम 12वीं क्लास में हो चुके हैं, तो हमारे एडमिशन कब तक चलेंगे, क्या हम दूसरी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी जो अपडेट आ रही है स्कूल के रिगार्डिंग राजस्थान प्रदेश में, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाला हूं। तो पैशंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें। जिस तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान प्रदेश में स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, काफी समय से चल रहे हैं, और जो लास्ट डेट है वो भी आ चुकी है, और उसके बाद में आपके कभी एडमिशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक, 9th, 10th, 11th और 12th के जो फॉर्म हैं, जो एडमिशन फॉर्म है आपके स्कूल के, वो आप भर सकते हैं 16 अगस्त तक। 16 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं या एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि 16 अगस्त आपके प्रवेश की अंतिम तिथि है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली से आठवीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरी साल भर एडमिशन चलेंगे, लेकिन 9th क्लास से 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन ओनली 16 अगस्त तक रहेंगे। तो जिसने भी अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, जिन्होंने 9th उत्तीर्ण कर ली है, पास कर ली है, 10th में एडमिशन नहीं लिया, जिन्होंने 10th पास कर ली है, 11th में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि 10th का रिजल्ट तो अभी जस्ट आया ही है, तो सभी विद्यार्थी अपना एडमिशन ले लें स्कूल के अंदर, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों के अंदर आपके जो है एडमिशन चल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर शिक्षा विभाग का ये कार्यक्रम जारी हुआ है एडमिशन को लेकर, कि 16 अगस्त के बाद कोई भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी, चाहे आप गाँव में हों चाहे शहरों में हों, या सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो या प्राइवेट में, सभी आप 16 अगस्त तक एडमिशन ले लें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भी लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर हमने 10वीं पास कर ली तो हम 11वीं में एडमिशन दूसरी स्कूल में ले सकते हैं क्या, क्या स्कूल चेंज कर सकते हैं क्या। आपकी मर्जी है, आप कोई से भी स्कूल में पढ़ें, लेकिन आपको एडमिशन लेना होगा, और वो 16 अगस्त से पहले पहले आप एडमिशन ले लें। अब यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान प्रदेश में स्कूल कब से ओपन होंगे। आप सभी को बताया कि स्कूल तो आपके अभी बंद ही हैं, फिलहाल आपके शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आपके प्रवेश प्रारंभ है, क्योंकि प्रवेश तो होंगे, पढ़ाई तो चलेगी, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है, तो आपके जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, आपके एडमिशन चल रहे हैं, आपकी बुक्स आ चुकी हैं, वेबसाइट पर भी बुक्स अपलोड हो चुकी हैं, सिलेबस भी आ चुका है, सब कुछ क्लियर है, बस आपकी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है। तो राजस्थान प्रदेश में ऑफलाइन स्कूल कब तक खुलेंगी, इसको लेकर काफी समय से कवायद लगाई जा रही है, काफी समय से इंतजार है हमें कि राजस्थान प्रदेश में कब से स्कूल ओपन होंगे। या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, अदर स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। स्कूल खुलने को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा था कि आपकी स्कूल ओपन हो जाएंगी जल्द ही, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुई है, क्योंकि अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो यही है कि राजस्थान प्रदेश इंतजार कर रहा है केंद्रीय सरकार का, कि जो केंद्र सरकार है वो कब तक जो है गाइडलाइन जारी करेगी, उसी गाइडलाइन के अनुसार आपके स्कूल ओपन होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, वापस से थर्ड वेव की जो आशंका है वो मंडरा रही है पूरे प्रदेश के ऊपर, इसी को देखते सरकार को भी समय लग रहा है स्कूल खुलने को लेकर। तो यही अपडेट है कि अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर मंथ तक आपको इंतजार करना पड़े और तब आपकी स्कूल ओपन होगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपकी स्कूल खुल रही है, नहीं खुल रही है, क्या गाइडलाइन जारी हुई है राजस्थान सरकार द्वारा, और तब तक आप अपने एडमिशन ले लें, अपने जो है पढ़ाई शुरू कर दें, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई हो रही है, अगर काफी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है तो आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। राजस्थान प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर और RBSE बोर्ड की जो भी अपडेट है वो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।